नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपीटी न्यूज से। दोस्तों, या तो तानाशाह मारा जाता है या देश छोड़ के भाग जाता है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर लेके हमारी ये वीडियो है और वीडियो को उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा देखेंगे, तब गहराई से समझ में आएगा कि आखिर मजरा क्या है। दोस्तों, एक ऐसा शख्स यह बातें लेके उस व्यक्ति के लिए बोल दिया जिसको कभी लोग भगवान की अवतार माना करते थे। 2050 तक जाएंगे शासन करने का दावा करने वाले व्यक्ति के संकेत में एक ऐसा व्यक्ति ने जे की बोला है जिसका नाम सुनकर आपके पैरों तले जमीन जमीन की। लेकिन मैं भी उस व्यक्ति को बड़ा योद्धा ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि वह अकेले अपने दम पर एक सड़क से सांसद तक पहुंचने वाला वो पहला ऐसा शख्स है, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। दोस्तों, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूं, यह हमारे लिए के मूल सिद्धांत में रहता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि तानाशाह या तो मारा जाता है या देश छोड़कर भाग जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में जो घटनाएं हुई बांग्लादेश में, वहां आप लोगों ने देखा, शायद उस चीज से जुड़ी हुई यह चीज जरूर है कि युवा जिधर जाते हैं उधर देश की स्थिति बदल जाती है। और शायद चंद्रशेखर आजाद रावण यह बात युवा होने की वजह के साथ साथ देश में जो तानाशाही सरकार चल रही है और जो तानाशाही जी की हो रही है, शायद उसके खिलाफ यह जी ट्वीट किए और ऐसे अंदाज में उन्होंने जी की बात क्यों न करें। मैं जरा समझना चाहता हूं कि अगर सांसद भवन में उनकी आवाज को बुलंद नहीं करने दिया गया, आवाज बोलने ना दिया जाए, तो फिर सांसद में घंटी बजाने जाएंगे क्या? तख्ती लेकर जरा याद कीजिए कि चंद्रशेखर आजाद को तख्ती लेकर संसद के अंदर और सांसद के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा अपना आवाज बुलंद करने के लिए। क्या कभी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के किसी भी बड़े नेताओं को ऐसा करना पड़ा है? जबकि बार बार राहुल गांधी को जब माइक म्यूट की जाती है तो एक झटके में जे कि उन्होंने अपना माइक चालू करवा लेते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक ऐसा शिकायत ही नहीं आया कि कभी माइक म्यूट की गई है, कभी उनकी आवाज को दबाई जा रही। हाँ, लेकिन एक अपने उप प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि हमारी आवाज को 2 घंटे तक विपक्ष ने दबाया, गला घोट दी। वो एक ऐसा जी कि बयान उनकी बेतुकी बयान लगती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 10 साल से शासन में आप हैं, विपक्ष कमजोर था, आज विपक्ष मजबूत हुआ है, तो आप कहें कि हमारी आवाज को दबाई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद अपने समाज के लिए जे की लड़ते हैं और जे की लगातार जे की मेहनत करते हैं, तो फिर जे की इन्हें गलत साबित करने के लिए अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी डोभाल या तमाम तरीके के जो केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सभी लोग जे की दबाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें तख्ती ले करके प्रदर्शन करना पड़ा था संसद। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि क्या यह नीति एक तानाशाही नहीं है कि एक व्यक्ति का आवाज संसद के अंदर न उठाई देने दिया जाए। यही कारण था, मैं किसी का पक्षपात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यही कारण था, हकीकत है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती
ने सांसद से इस्तीफा दे दिया था, राज्यसभा या लोकसभा इस्तीफा दे दिया, यही रीजन था। मुझे तो इस बात का थोड़ा सा बड़ी ताज्जुब लगती है कि अगर ये बातें जो कहा जा रहा है उस बात को लेकर के बहुत से लोगों को सांसें फूलने लगती है, धड़कने लगती है, ऐसा लगने लगता है कि क्यों इस समाज के लोग ने ऐसा जी बातें जी की बोल दिया। क्या इतिहास को भुलाया जा सकता है, इतिहास को नकारा जा सकता है? अभी शेख हसीना जिस रास्ते पर 15 साल लगातार जे के कार्य करके बढ़िया से कार्य जे किए थे, उसके बाद 45 मिनट के अंदर शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई। वहां के युवाओं ने यह साबित कर दिया कि देश बढ़िया से नहीं एक ताना शाही की मूड से चलाई जा रही थी, जिसका एक शासन एक युवाओं को रास नहीं आया और युवाओं ने ऐसा कदम उठाया कि 45 मिनट के अंदर देश छोड़ना पड़ा उस प्रधानमंत्री को, उस तानाशाह। अगर यही बात अगर किसी की तरफ इशारा करती है, चंद्रशेखर आजाद की बातें अगर किसी की तरफ इशारा करती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा हो, अमित शाह जी को कहा जा रहा हो। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है? है दर्ज, लेकिन संकेत इशारा काफी होता है। क्या यह सच नहीं है कि राहुल गांधी को जबरदस्ती जे की फंसाने का ईडी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज को दबाई जा रही है? क्या यह सच नहीं है कि देश में दलित युवा हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, असुरक्षित है, उनके कोटे के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा डालने का काम नहीं किया गया हो? क्या यह सब बातें गलत है? क्या यह नहीं दर्शाता है कि देश में तानाशाही चल रही है? यह सब चीजें दर्शाता है तो फिर जाए कि उस चीज को अगर किसी ने कि कहा तो गलत मिर्ची लग रही है, तो फिर जाए कि उसके लिए क्या किया जा सकता है? दोस्तों, आप हर पॉइंट पर जे की ध्यान दीजिए, हर पॉइंट पर एक नजर रखिए कि कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण अगर जे की देश में नहीं होते और जिस प्रकार बीएसपी के सर पे बीजेपी का टैग लगा हुआ है, तो फिर दलितों का, मजलूमों का हश्र क्या होता? अभी जे की एक सांसद जे के वहां है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कांग्रेस के भी अंदर, यहां तक कि तमाम लोग हैं जिन दलित समाज से जे की सांसद हैं, फिर भी किसी को जे की उतनी किसी बात का टेंशन नहीं रहता है। तो क्या ये सब चीजें गलत हो सकती है? गलत है, ये टैग जे की जरूर देखिए, लेकिन इस पर जे कि नजर, एक नजर अपना जरूर जे कि बनाइए कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाया है कि उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे राज्य में डिवाइड किया जाए। यह मांग जे कि पहले से थी और उस चीज को दोहराए तो शायद बहुत लोगों को रास न आता। कुछ लोगों ने गंभीर सवाल और गंभीर आरोप भी इस पर जे की लगाया है, लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि शायद ये कि उसे जे की डिवाइड किया जाए, बांट दिया जाए, तो विकास की गति में और रफ्तार आ सके। लेकिन अगर रफ्तार नहीं आने देना चाहते हैं लोग,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसी मर्जी वैसी जी की करें। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर जी की तानाशाह देश में तानाशाही करता है, उसका हश्र यही होता है कि या तो उसे देश छोड़ के भागना पड़ता है या फिर वह मारा जाता है। क्योंकि युवाओं से देश चलती है और जिधर जे की युवा घूम जाते हैं उधर बहुत कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं? जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। जरूर यह बताइएगा कि आप कहां से